हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशमा वर्मा एंड वेलकम बैक टू द टेक्सास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेविगेटिंग द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के दौरान या डाइवोर्स के बाद जो भी टैक्स से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइवोर्स कैसे हमारे टैक्सेशन और फाइनेंशियल सिचुएशन को अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए ईयर एंड पे, ठीक है, ईयर एंड पे आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो आप अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप सेपरेटली फाइल करेंगे, ठीक है। और अगर आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है उस टाइम तक, तो आप जैसे पहले जॉइंटली फाइल करते आ रहे थे इनकम टैक्स रिटर्न, वैसे ही आप फाइल करेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें चाइल्ड कस्टडी एंड डिपेंडेंस, यानी कि जो कस्टोडियल पेरेंट है, ठीक है, वही यूजली क्लेम करेगा जो भी चाइल्ड से रिलेटेड एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट एंड अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें एलिमनी वो होती है जो दूसरे स्पाउस को आफ्टर द डाइवोर्स यानी कि सेपरेशन के बाद जो लमसम अमाउंट पे होता है उसको कहते हैं हम एलिमनी। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टी डिवीजन। तो डाइवोर्स के बाद जो भी, मतलब मान लीजिए दूसरे स्पाउस को प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, नाम हुई है उनके, तो उस प्रॉपर्टी पे भी कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का भी आपको कैपिटल गेन टैक्स दिखाना होगा। अगला पॉइंट है सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए जो भी मतलब सेल हुई है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर कोई भी एसेट की, तो उसके भी टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है, ये देखते हुए कि उसमें कैपिटल गेन आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है, और उसकी एसेट की टाइमिंग देखते हुए कि किस टाइम पे ये सेल हुई है, उस हिसाब से उसके ऊपर भी टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है फाइलिंग अमेंडमेंट्स, यानी कि जब आप मैरिड थे तब आप जॉइंटली रिटर्न अपनी फाइल करते थे, ठीक है, और डाइवोर्स के बाद आपने मतलब आपकी रिटर्न्स में कुछ ओमिशंस हुए, कुछ एरर्स हुए, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो, अमेंडेड रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है लीगल फीस, यानी कि डाइवोर्स लेते टाइम आपने जो भी लीगल फीस पे की होगी तो वो डिडक्टेबल नहीं होती है, लेकिन जो लीगल फीस आपने टैक्स एडवाइस लेने के लिए पे की होगी ड्यूरिंग द डाइवोर्स, कि डाइवोर्स के टाइम पे जो क्या क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे रिलेटेड जो भी एडवाइस लेने के लिए आपने लीगल फीस पे की होगी, तो वो डिडक्टेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेट विद एक्स-स्पाउस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने एक्स स्पाउस से कम्युनिकेट करना टैक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे हैं तो उस केस में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कौन सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स क्लेम कर सकता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है अपने एक्स स्पाउस से। नेक्स्ट है टैक्स फाइलिंग स्टेटस आफ्टर डाइवोर्स, यानी कि आप कैसे कैसे अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं डाइवोर्स के बाद। तो सबसे पहले तो आप सिंगल, नेक्स्ट है टैक्स फाइलिंग स्टेटस आफ्टर डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के बाद आप कैसे कैसे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि आप सिंगल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि इन एज इंडिविजुअल मतलब अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप एज हेड ऑफ हाउस होल्ड टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। हेड ऑफ हाउस होल्ड इज़ अ इंडिविजुअल, हेड ऑफ हाउस होल्ड इज़ अ फाइलिंग स्टेटस फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली ये जो फाइलिंग स्टेटस है ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि अनमैरिड कंसिडर किए जाते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, यानी कि ये वाला जो फाइलिंग स्टेटस है वो मैरिड कपल्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि जब वो यूएस में अपनी फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और जब वो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का स्टेटस चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उनको
दोनों को अपनी सेपरेट रिटर्न में अपना इंडिविजुअल इनकम और डिडक्शन दोनों रिपोर्ट करनी होगी सेपरेटली, ठीक है। अगली हम बात करेंगे एलिमनी एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो जो एलिमनी पेमेंट है उसके जो टैक्स इम्प्लीकेशंस है वो दोनों पे होते हैं, बोथ द पेयर और रेसिपियंट, ठीक है। लेकिन जो इसके टैक्स रूल्स हैं वो थोड़े चेंज हो चुके हैं। जैसे कि 2019 से पहले क्या था कि जो एलिमनी पेयर है, ठीक है, जो एलिमनी पेयर है उस वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें उसको उस चीज़ की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और जो एलिमनी रेसिपियंट है उसको वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस केस में उनको मतलब उस केस में उनको एलिमनी टैक्सेबल इनकम के तौर पे दिखानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 2019 के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि जो एलिमनी पेयर है, ठीक है, जो एलिमनी पेयर है वो इसको डिडक्शन एज ए डिडक्शन दिखाएगा और जो एलिमनी रेसिपियंट है वो इसको एज टैक्सेबल इनकम दिखाएगा, ठीक है। तो ये रूल चेंज हो चुका है। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टी डिवीजन एंड टैक्स कंसीडरेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कैपिटल गेन्स टैक्सेस। जब भी असेट्स और मतलब बेची जाएंगी या फिर ट्रांसफ़र होंगी ड्यूरिंग द डाइवोर्स, ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो लगेगा, ठीक है। दूसरा है टैक्स बेसिस एंड ट्रांसफ़र्स। जनरली जब डाइवोर्स होता है तो जो असेट्स ट्रांसफ़र होती हैं मतलब बिटवीन द स्पाउसेस वो जनरली नॉन टैक्सेबल मानी जाती हैं, ठीक है, नॉन टैक्सेबल सेटलमेंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट अकाउंट्स एंड टैक्सेस। जो रिटायरमेंट अकाउंट्स है वो जनरली स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि इंडिविजुअल्स की हेल्प करने के लिए बनाया गया है टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट, ठीक है। इसके भी कुछ टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं। यूटिलाइजिंग अ क्वालिफाइड डोमेस्टिक रिलेशंस ऑर्डर कैन हेल्प अवॉइड अर्ली विड्रॉल पेनल्टीज एंड एंश्योर प्रॉपर टैक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेविगेटिंग द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के टाइम पे क्या कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी आपके क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।